नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ के जोलिंगकांग पहुंचे हैं। जी हां, वहां उन्होंने आदि कैलाश का दर्शन किया, साथ ही पार्वती कुंड मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी जोलिकांग में आदि कैलाश का ध्यान लगाए। वो काफी देर तक आदि कैलाश की तरफ मुख कर ध्यान लगाते हुए दिखाई दिए। वही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को शिव भक्त के रूप में पेश करते हैं। उन्होंने आदि कैलाश की पूजा अर्चना कर देश समाज की बेहतरी की प्रार्थना की। पीएम मोदी पिथौरागढ़ के जोलिकांग के दौरे के दौरान भूटिया जनजाति की ओर से बनाए जाने वाले ड्रेस में नजर आए। ठंड ज्यादा होने के कारण ओवरकोट जैसे इस कपड़े में पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्वती कुंड धाम में पूजा अर्चना भी की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पार्वती मंदिर में आरती करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान पुजारियों ने मंत्रोच्चार से माहौल को भक्तिमय बना दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक महत्व के केंद्र आदि कैलाश और पार्वती कुंड धाम में पहुंचकर एक अलग ही संदेश दिया। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले इस यात्रा के जरिए एक अलग ही चर्चा यहां शुरू कर दी है। मैं आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक महत्व वाले स्थानों पर अपने अलग अंदाज में दिखाई देते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम की गुफा में ध्यान लगाया था। वो पिथौरागढ़ में आदि कैलाश का ध्यान लगाते दिखे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी पूजा अर्चना करने के बाद सीधे यहाँ से गुंजी गांव पहुंचेंगे, जहां उन्होंने सेना आईटीबीपी जवानों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। पीएम मोदी ने बीआरओ कर्मियों के साथ स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। पीएम मोदी यहां से अल्मोड़ा के जागेश्वर पहुंचे। यहां उन्होंने जागेश्वर धाम में पूजा और दर्शन किए। लगभग 6200 फीट की ऊंचाई पर स्थित जागेश्वर धाम में लगभग 224 पत्थर के मंदिर है वहां पर। उसके बाद पीएम दोपहर पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां वो ग्रामीणों से विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी लगभग 4200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किए।